नारेबाजी से कोई फायदा नहीं है। हेलो हेलो मैं जो मसाजिद के आईपा है वो यहाँ आ जाए। आवाज खड़े होने की ना है, खड़े हो जाओ। जो मसाजिद के आईपा है वो यहाँ आ जाए। वैसे नहीं बोल रहे, इधर से घूम के नहीं बोल रहे, इधर से बोलना। जो मसाजिद के आईपा है वो यहाँ आ जाए। जो मस्जिद के सारे गली के इमाम साहब आ रहे हैं क्या? मौलाना माँ वाले मुतवल्ली और वो इमाम साहब दोनों। थोड़ा सा फिर एक बार दोबारा सुन लें। हम लोग मजहब के एतबार से मुसलमान हैं, हमारा मजहब इस्लाम है और ये मजहब हम तक हमारे नबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए पहुंचा है। अगर कोई शख्स हमारे नबी के बारे में गुस्ताखी करेगा तो किसी कीमत पर उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे यहाँ फरीदनगर से लगभग 20-22 किलोमीटर दूर दासने के अंदर देवी मंदिर का महंत जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नाजेबा कलिमात कहे हैं और हमारी पूरी मुस्लिम कौम को नेस्त नाबूद करने का दावा किया है, हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराना चाहते हैं। इसके लिए SSP गाजियाबाद के लिए तहरीर लिखी गई है। कई बार बड़े अधिकारियों से पूछा गया कि आपने इस आदमी के खिलाफ क्या कार्रवाई की, तो सभी ने ये कहा कि जब तक हमें कोई तहरीर नहीं देगा हम क्या कार्रवाई करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले जिला गाजियाबाद में फरीदनगर के लोगों की तरफ से तहरीर जारी है और इंशाल्लाह हम ये मुकदमा कायम करा के उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। अगर सरकार कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी तो उसके बाद जो भी बदमनी होगी उसके जिम्मेदार सरकार खुद होगी। हम अपने नबी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हमारी जिंदगी इतनी प्यारी नहीं है कि हम इतनी बेगरती के साथ अपनी जिंदगी को आगे रखें, हम अपनी जिंदगी खत्म कर दें, किसी कीमत पे ये बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरी बात यह है कि रमजान का महीना है, प्रोग्राम तो ये था कि हम खाने तक जाएं, लेकिन खाने तक जाने में रोजे में परेशानी होगी लोगों को और कोविड की वजह से भी बीमारी का खतरा है, इसलिए ये तहरीर चंद लोग जाकर अभी चौकी पर 2-3-4 साल को दे देते हैं और उनसे रिसीप्ट लेकर मुकदमे का इंतजार करते हैं। अगर मुकदमा कायम होता है ठीक है, मुकदमा कायम नहीं होता है तो उसके बाद फिर अगले प्रोग्राम का इंशाल्लाह इंतजार करेंगे। और कोई बात किसी को कहनी हो तो बताइए।